शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के चावल सामान्य और सुगंधित दोनों का स्वाद और उसकी महक के विदेशी इस कदर दीवाने हो गए हैं कि इसकी मांग 4 वर्षों में ही 2 गुनी से अधिक हो गई है। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ से 5,200 करोड़ रुपए का चावल विदेश भेजा गया है, जबकि 5 साल पहले तक बेमुश्किल 2,500 करोड़ रुपए के चावल का निर्यात किया जाता रहा है। बीते वर्ष पूरे देश से 45,000 करोड़ रुपए के चावल का निर्यात किया गया था, यानी चावल के निर्यात में अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी करीब 11% तक रही। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अपीडा के आंकड़ों से ये बात सामने आई है कि छत्तीसगढ़ के चावल की मांग विदेश में तेजी से बढ़ती जा रही है। कृषि वैज्ञानियों का कहना है कि पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ के सुगंधित धान की पुरानी किस्मों को उन्नत किस्मों के रूप में विकसित किया गया है। इससे किसानों को धान की इन प्रजातियों की खेती करने में आसानी हुई है। यही वजह है कि धान का रकबा बढ़ने के साथ ही उसकी मांग भी बढ़ी है। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान बेचने के लिए कुल 24,65,060 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनके द्वारा बोए गए धान का रकबा 30,10,880 हेक्टेयर है, जबकि 2020-21 में पंजीकृत धान का रकबा 27,92,827 हेक्टेयर था। वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च का कहना है कि पिछले वर्षों में देखें तो प्रदेश के चावल की मांग विदेश में काफी बड़ी है। यहां के चावल का विदेश में कई तरह के उत्पाद बनाकर पैकेट बंद करके बेचा जा रहा है, विदेशियों को इससे मुनाफा भी हो रहा है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।